माननीय शिवराज सिंह जी, आप मध्य प्रदेश की जनता के साथ कब तक छल और कपट करेंगे? कब तक आप चुनाव जीतने के लिए झूठे मनगढ़ंत घोषणाएं करते रहेंगे और जनता को परेशानी में डालते रहेंगे? और अफसोस के साथ कह रहा हूं कि कोरोना में भी आपको शर्म नहीं आ रही, आपको कोरोना में भी ये नहीं लग रहा कि आप किस तरह से जनता को मूर्ख बनाना चाह रहे हैं। मेरे को तो बहुत अफसोस हो रहा है कि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। हमें मालूम है हालांकि आपने किस तरह से सत्ता पाई है, लेकिन सत्ता पाने के बाद आप इतना मदमस्त हो कि आज की तारीख में आपको जनता को परेशानी देखने के बजाय सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लालीपॉप देना और उसके लिए जनता को दूसरी तरफ परेशानी में डाल देना, इसका भी आपको एहसास नहीं है? घोषणा करी कि बिजली के बिल माफ करे, मेहरबानी करके आज आपका आदेश मेरे पास मिला है, वो आदेश आपका मैं अभी दे रहा हूं। जो आपके यहां से आदेश जारी हुआ उस आदेश में कहा है स्थगित करा। हम लोग थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे हैं शिवराज सिंह जी, स्थगित करने का मकसद क्या होता है और माफ करने का क्या होता है? स्थगित आपने अगस्त तक का कराया और सितंबर का आप बिल लेंगे और उसके बाद आप एरियर्स के नाम पे बाकी का बिल भी ले लेंगे। और आपने स्थगित भी जो करा है वो 1 किलो यूनिट का करा है। 1 किलो यूनिट निम्न श्रेणी, कमलनाथ जी की तरह दरिया दिली दिखाते, जिन्होंने किसी में भी भेदभाव नहीं करा, तमाम जनता को समानता के साथ एक रूप में रखा और एक रूप में रखने के बाद सबके यूनिट एक हिसाब से उन्होंने दिए थे। आपने जो धोखा जनता के साथ करा है, मेहरबानी करके ये छल कपट बंद करिए और आप जारी करिए आदेश, या तो पूरी जनता के पूरे बिल कोरोना के 6 महीने के माफ करिए और या ये ढोंग पीटना बंद करिए।